हे आई एम सॉरी भाई, आई एम लेट। पेपर चल रहा है भाई मेरा। एनीवेज, वन पीस का चैप्टर 1072 कैसा लगा? मुझे ठीक ठीक लगा। डिटेल में बात करते हैं अबाउट इट आफ्टर दिस इंट्रो। लेट्स बिगिन। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट कूमा बॉनी वेगा पंक शिट। बॉनी के फ्रूट से रिलेटेड हमें दो इंपॉर्टेंट चीज़ें पता चली है। पहला कि बॉनी का एज चेंज करने का पावर परमानेंट नहीं है। आफ्टर सम टाइम ओपोनेंट्स वापस अपने नॉर्मल एज में आ जाता है, ऐसा बॉनी ने वेगा पंक को खुद बोला है। आई मीन ये तो ऑब्वियस सा था, बट स्टिल हमें ये कन्फर्म हो चुका है। एंड दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बॉनी सिर्फ लिविंग बींग्स का ही नहीं बल्कि नॉन लिविंग चीज़ों का भी एज चेंज कर सकती है। इस पैनल में एज यू कैन सी बॉनी ने इस मेटल से लॉक को क्रम्बल्ड फॉर्म में चेंज कर दिया, उसका एज बढ़ा के या घटा के। इस चैप्टर में हमें यह भी पता चल गया कि अभी कूमा एक बिन दिमाग वाला रोबोट क्यों बन के रह गया है, क्योंकि सर के मेमोरीज इधर एगहेड में है। कूमा ने अपने पॉपो फ्रूट के पावर से अपनी मेमोरीज को अपने से अलग कर दिया, विच इज़ वाई अभी कूमा को कुछ झांटा समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या कर रहा है। नाउ इन मेमोरीज से क्या हमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इन्फो मिल सकता है? हाँ, आई मीन मैं तो भाई डैम श्योर हूँ हमें इससे कुछ भाई तगड़ा इन्फो मिलेगा पक्का। मोस्ट लाइकली रेवोल्यूशनरी आर्मी से रिलेटेड या फिर वर्ल्ड गवर्नमेंट का कोई बहुत खतरनाक सा सीक्रेट में भी। इस पूरे सिचुएशन को देख के मैं काफ़ी कन्फ्यूज हूँ कि फ्यूचर में क्या होगा। क्या कूमा को उसके मेमोरीज फिर से मिल जाएंगे? अगर हाँ तो फिर वो नॉर्मल हो जाएगा, राइट? या फिर कूमा अभी मरीजों में मर जाएगा? अगर कूमा मरीजों में अभी मर जाते हैं तो क्या फिर भी उसके मेमोरीज ये पॉ शेप्ड बबल फॉर्म में रहेंगे, या फिर ये बबल कूमा की डेथ के साथ फूट जाएगा? आई वंडर। बाय द वे, आई लाइक कैसे वेगापंक बॉनी को चूतिया बनाने की कोशिश किया बोल के कि वो मेमोरीज नहीं, पेन है। लमाओ भाई, वेगापंक की कुछ हरकत इतने डंब लगते हैं ना भाई। सो कॉल्ड जीनियस लमाओ। एंड हाँ, अगर तुम्हें मेरा आवाज़ अलग लग रहा है तो मुझे सर्दी है, ठीक है? CP0 और सेराफिम दूर से अटैक करते हुए दिखे एगहेड के मेन अंडे लैब में। लुची नोज वेल कि वो डायरेक्टली लैब में नहीं घुस सकता, वरना सेराफिम वेगापंक के कंट्रोल में आ जाएंगे, विच इज़ वाई वो काफ़ी दूर डिस्टेंस से अटैक करते हुए दिखा है। नाइस। जोरो वर्सेस काकू। भाई ये काकू क्या फुद्दू दिख रहा है अपनी अवेकनिंग में भाई, डिक लग रहा है लमाओ। एंड एज एक्सपेक्टेड जोरो को कोई भी दिक्कत नहीं हुई काकू को टैकल करने में, बट काकू डैम ही हैज़ गॉटन स्ट्रॉन्ग भाई। जोरो का गर्दन जमीन में दे मारा, फिर भी ही गॉट अ प्रीटी क्विक अवेकनिंग, इज प्रीटी स्ट्रॉन्ग नॉट गोना लाई। एंड इसके अवेकनिंग में भी इसके पीठ में क्लाउडी सा वो डिज़ाइन सा है बाल का, टिपिकल जवान अवेकनिंग थिंग आई गेस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेन थिंग जिसके लिए बहुतों को ये चैप्टर पसंद आया होगा, स्टेसी। ओके, रॉक्स पायरेट्स की एक नई क्रू मेंबर रिवील हुई है, मिस बकिंगम स्टेसी। एक्चुअली ये मेंबर को हमने पहले भी देखा है। बकिंगम स्टेसी इज द सेम अनोइंग ओल्ड हैग हु क्लेम्स दैट शी वॉज द लवर ऑफ वाइट बियर्ड। वो वीविल की माँ, हाँ वही डोकरी, वही है ओरिजिनल स्टेसी। उसको देख के लगता है कि वो रॉक्स की मेंबर थी एक टाइम पर, लमाओ। एंड उसी की क्लोन है हमारी ये वाली स्टेसी मैडम, जवान सुंदर स्टेसी। स्टेसी इज द फर्स्ट सक्सेसफुल क्लोन एक्सपेरिमेंट ऑफ मैड्स। मैड्स वही वेगापंक जज क्वीन वाला ग्रुप। एंड दिस क्लोन स्टेसी हैज सम वैम्पायर और बैड टाइप ऑफ पावर्स। विंग्स देखो भाई स्टेसी के, क्या 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 कूल लग रहे। एंड बाय अ सिंगल बाइट शी मैनेज्ड टू मेक काकू फॉल फॉर हर। आई नो मैं स्टूपिड बात कर रहा है, या मतलब भाई बेहोश हो गया काकू एक बाइट से, ये बोल रहा मैं। नाइस। आई वांट टू नो कि क्या टोकरी स्टेसी के पास भी सेम वैम्पायर के पावर्स है। वैसे इधर पर बहुतों को शायद ये लग सकता है कि स्टेसी यहाँ पर बिट्रे की है लुच्ची को और वर्ल्ड गवर्नमेंट के अगेंस्ट गई है, बट आई डोंट थिंक सो। आई थिंक स्टेसी लुच्ची के फुद्दूपने से भरे हरकतों को रोकने के लिए उसको बेहोश करना चाहती है। लुच्ची काकू अगर वर्ल्ड गवर्नमेंट की बात स्टार्टिंग से मानते तो आई थिंक स्टेसी अपना ये रूप नहीं दिखाती। वैसे ये जो पूरा क्लोन वाला सीन है, तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? मेरे हिसाब से ये एक ऐसी चीज़ है जिससे अब बहुत अजीब असम्पशंस किए जा सकते हैं। जैसे कहीं टीज भी तो क्लोन नहीं है किसी का, कहीं विविल भी तो क्लोन नहीं है किसी का, कहीं सांजी सोरो भी तो क्लोन नहीं है किसी का। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग भाई? बहुत स्टूपिड अजम्पशन सामने आने वाले हैं एंड लोग उस पर थ्योरी का टैग भी चिपका देंगे, देखना भाई। इट्स गन बी फकिंग अनोइंग फॉर रियल। एक अजम्पशन मैं भी मार देता हूँ कि शायद वाइट बेट का ही फक्ड अप क्लोन है हमारा विविल। डोकरी स्टेसी शायद से किसी में वाइट बेट का लीनियस फैक्टर जुगाड़ कर ली और उसने मैट्स को दे दिया, एंड मैट्स ने वाइट बेट के लीनियस फैक्टर से इस नमूने को बना दिया विविल को, शायद अ फेल्ड एक्सपेरिमेंट में भी। नेक्स्ट वीक ब्रेक नहीं है वैसे,
मैं ये जानने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ कि और कितने क्लोन्स को मैड्स वालों ने बनाया था, उन क्लोन्स में से कितने वर्ल्ड गवर्नमेंट के पास है और कितने फ्री घूम रहे हैं। आई वॉन्ट टू नो बॉनी को कुमा के मेमोरी से क्या पता चलेगा। आई वॉन्ट टू नो दैट टू। लूसी वर्सेस स्टसी होने वाला है क्या? मे बी। और ये कीजरू कब आएगा भाई? वो आएगा तभी तो मेन मजा आएगा, उसको जल्दी लाओ। एंड या दैट्स इट। अब चलो मैं निकलता है, ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेगी, तो बाय बाय।